तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक अपडेट बताने वाला हूँ, वो है सैमसंग A52S यूज़र के लिए। अगर आपके पास सैमसंग का गैलेक्सी का A52S यूज़र है, तो अगर आपके पास मोबाइल है तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि सैमसंग A52S में लास्ट अपडेट आया था जनवरी में, जिसके अंदर सिर्फ जनवरी को सिक्योरिटी पैच अपडेट था और कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट के कुछ बक्सेस फिक्स किए गए जो कि नॉर्मल अपडेट होता है। उसके बाद ना फरवरी में कोई भी अपडेट नहीं आया। तो रिसेंटली एक अभी इसके अंदर न्यूज़ आई है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही शानदार ये न्यूज़ ये आई है कि इसके अंदर फरवरी का अपडेट के साथ इसको रिलीज़ कर दिया गया। फरवरी सिक्योरिटी पैच के साथ इसका अपडेट रिलीज़ कर दिया गया है। फिलहाल ये जो अपडेट है यूरोपियन कंट्रीज़ में रिलीज़ किया गया है, नीदरलैंड, फिनलैंड और ग्रीम है, अभी इंडिया में रोल आउट नहीं किया गया। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस अपडेट में 72 सिक्योरिटी बग्स को फिक्सेस किया गया है, 60 वर्क फ्लोस को फिक्स किया गया है जो कि आपके सैमसंग A52S में हो सकते हैं। क्या ये बग्स है, ऐसा कुछ उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, बस उनका ये कहना है कि इस अपडेट में उन्होंने 72 बग्स को, सिक्योरिटी बग्स को फिक्स आउट किया गया है। तो ये वाला जो अपडेट आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और इंपॉर्टेंट है और बहुत जल्दी इंडिया में रिलीज़ हो जाएगा। तो ये गुड न्यूज़ थी सैमसंग A52S यूज़र के लिए, तो मैंने आपको तुरंत ही बता दिया। आने के बाद तुरंत ही अपडेट कर लेना क्योंकि उसके अंदर सिक्योरिटी बक्सेस हैं। हो सकता है एक चीज़ और है, हो सकता है कि ये आपको मार्च में अभी आने वाला है, तो हो सकता है 1UI 6.1 के साथ ये अपडेट मिले या 6.0 के साथ मिलेगा, बट फरवरी सिक्योरिटी अपडेट के साथ आपके सिक्योरिटी बग्स को फिक्स आउट किया जाएगा। और अभी की डेट में भी सैमसंग A52 अच्छा मोबाइल है, तो अपडेट करके उसको चलाते रहो, मज़ा आता रहेगा। मैं भी अभी तक यूज़ कर रहा हूँ और मुझे डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। बट ये बात है कि 1UI 6.1 के बाद इसके बाद कोई अपडेट नहीं आएगा, सिर्फ सिक्योरिटी अपडेट्स ही आएंगे। तो 1UI 6.1 अपडेट भी इसके अंदर मैं जैसे ही आएगा आपको बता ही दूंगा। ऐसी नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लेना। तो थैंक यू।